अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस चैनल पे पेंसिल ड्राइंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, एक्रेलिक पेंटिंग्स और कैलीग्राफी के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं और इंशाल्लाह जल्द ही कैलीग्राफी का पूरा कोर्स भी आने वाला है चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरी ये फेवरेट पेंटिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और खूबसूरत लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि ये शायद हमसे ना बने, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो डेफिनेटली आप भी ऐसी पेंटिंग कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये अल्फाज लिखना आना चाहिए और बेसिक जो कैलीग्राफी है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्स की, बैकग्राउंड्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको हम लिखेंगे कैसे, और इसमें यह भी बात आती है कि ये हमने परफेक्टली सर्कल्स में कैसे लिखना है। तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें बैकग्राउंड बनाने के लिए जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो हैं मैरिज कंपनी के ऑयल पेंट्स, और जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो हैं स्कारलेट, ऑरेंज रेड, येलो मिड, रोज, टाइटेनियम वाइट, अल्ट्रामरीन ब्लू और थेलो ब्लू, और इसमें शायद मुझे कहीं कहीं जो है ब्लैक का टच भी देना पड़े। और दूसरी बात, ये पेंटिंग हम करने वाले हैं 3D में, जैसे और इसके कॉर्नर्स भी पेंट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इन कलर्स को मिक्स करके मैंने कुछ कलर्स तैयार किए जो मुझे बैकग्राउंड में चाहिए थे। जैसे आप देख सकते हैं इधर रेड है, इधर ब्लू है और दरमियान में ऑरेंज और येलो। अब इनमें ट्रांजिशन देने के लिए और स्मूथ ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने इनकी रेंज बनाई। कैसे? जैसे सबसे पहले मेरे पास हैं डार्क रेड, मीडियम रेड, लाइट रेड, ये मैंने एक ट्रांजिशन बनाई यहाँ पे और इसके कलर मिक्स किए, और तीन ऑरेंज हैं, एक है ऑरेंज, दूसरा लाइट है और उस तीसरा उससे ज़्यादा लाइट है, और दो मैंने वेरिएशन रखे हैं येलो के, येलो और लाइट येलो, और चार पांच वेरिएशन मैंने रखे हैं ब्लू के, क्योंकि जो मैंने ज़्यादातर यूज़ करना है ब्लू यूज़ करना है। तो ब्लू में मैंने रखा है लाइट ब्लू, यहाँ पे मीडियम ब्लू और यहाँ पे डार्क ब्लू। ये डार्क जो है ये मैंने बनाई है थेलो ब्लू में भी थोड़ा सा टच ब्लैक का ऐड करके। तो कलर हमारे पास मिक्स हो चुके हैं, अब हमने करना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बनाने से पहले आपको ये अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आपकी जो राइटिंग है वो कहाँ पे आएगी। जैसे ये वाला आउटर जो सर्कल है उसको मैंने ड्रा कर दिया और ये मैंने हिंट दे दिया कि मेरा अलिफ कहाँ पे आने वाला है, तो उसी हिसाब से हम बैकग्राउंड बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये सर्कल में बनाया है बैकग्राउंड, तो ये कैलीग्राफी के साथ मैच हो गया। बैकग्राउंड बनाना शुरू करते हैं। बाय द वे, ये आपको कैनवास वाइट नज़र नहीं आ रहा, ये आपको लग रहा होगा कि बैकग्राउंड पहले से बना हुआ है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे पास जो एक्रेलिक कलर हैं वो जो बच जाते हैं मैं उनको पहले ऐसे ही एक कोट कर देता हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब एक्रेलिक का एक कोट हम कर चुके होते हैं और उसके बाद ऑयल पेंट करते हैं तो उससे जो ऑयल पेंट में शाइन आता है वो ऐसे ही शाइन करता है, तो पेंट्स जो हैं वो शाइनी लगते हैं। जो मिड में सर्कल्स के दरमियान जो है मैं येलो और लाइट ऑरेंज वगैरह इसलिए पेंट कर रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर जब मैं डार्कर कलर से कैलीग्राफी करूँ तो वो कैलीग्राफी उभर के सामने आए, कंट्रास्ट मौजूद हो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में। सपोज आप कैलीग्राफी जो है वो लाइट कलर में करना चाहते हैं तो फिर बैकग्राउंड को बिल्कुल डार्क कर दें। तो अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि कंपोजिशन आपने कैसे बनानी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैनवस का साइज़ है 24 बाई 30 इंचेस, मतलब ये स्क्वायर में नहीं है, तो हमें
सर्कल बनाने के लिए इससे पहले स्केयर में लाना होगा। कैसे? यहाँ से 24 इंचेस मैंने मेजर करके यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ पे निशान लगाया, तो अब ये 24/24 हो गया। 24 इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से और उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जब मिलाया तो दरमियान में जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं वो हमारे पास हो गया उस सर्कल का मिड पॉइंट। चूंकि 24 इंचेस इसकी विड्थ है तो हमने सर्कल से लेकर इस तरफ 12 इंचेस हैं और इस तरफ भी 12 इंचेस हैं। हमने करना यह है कि हमारी जो ये बाहर वाली पट्टी है ये होनी चाहिए तकरीबन 3 इंचेस की, उसके बाद हमने हाफ इंचेस की जगह छोड़नी है और उसके बाद ये दूसरा सर्कल लगाना है। और दूसरी बात, हमने ये बाहर भी 1-1 इंच की जगह छोड़नी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो करेंगे ऐसे कि सर्कल से हम निशान लगाना शुरू होंगे 7.5, 8 और 11 इंचेस पे। इसी तरह हम यहाँ से 7.5, 8, 11 ऐसे निशान लगाते जाएंगे ऑल ओवर। उसके बाद हम चाक से इन निशानात को आपस में मिला के एक सर्कल की शक्ल बना लेंगे चाक से, क्योंकि चाक दोबारा हम इरेज कर सकते हैं। कैलीग्राफी शुरू करने से पहले आपको ये जहन में रखना है कि जो आपने बैकग्राउंड बनाया है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका हो। उसके बाद आप चाहें तो ग्रिड मेथड से, वरना आपको अंदाजे से भी हो जाएगा कि जब यहाँ पे सर्कल लग गए तो ऊपर से हमने अलिफ बनाना है और अल्लाह हो, और जहाँ पे जो अंदर वाला सर्कल होगा उसमें हमने लिखना है ला इलाह इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम रेफरेंस को देख के, और उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे। Thank you.
बाय द वे तब मेरे पास छोटा ब्रश नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट मार्कर से लिख दिया। तो आप परमानेंट मार्कर से भी लिख सकते हैं, या आपके पास अगर छोटे ब्रशेज हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये तजस्स हो रहा हो कि मैं ब्रश कौन से यूज़ करता हूँ या कौन से यूज़ करूँगा, तो वो ब्रश ये हैं। ये फ्लैट ब्रश हैं जो कि कॉमन हार्डवेयर स्टोर से मिल जाते हैं या पेंट स्टोर से मिल जाते हैं। और ये जो दूसरे ब्रश हैं ये हैं एंगुलर ब्रशेज जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और इसका नंबर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे नंबर 6 या 8 यूज़ किया। तो एंगुलर ब्रशेज जो कि कैलीग्राफी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये कलम की तरह एंगुलर एंगल इनका बना होता है, कट लगा होता है। तो ये मुझे तो काफ़ी पसंद है कैलीग्राफी के लिए, आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कैलीग्राफी शुरू करने से पहले एक समझने वाली बात है जो कि कैलीग्राफी का रूल है या प्रिंसिपल कह लें, या यूं कह लें कि जिससे कैलीग्राफी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये कि आपने जो ब्रश है उसको कभी भी यूं नहीं पकड़ना, सीधा नहीं पकड़ना। आपने ब्रश को हमेशा 70-80 के डिग्री पे के एंगल पे पकड़ना है। और दूसरी बात, कैलीग्राफी में कभी भी कोई भी लफ्ज़ सीधा बिल्कुल 90 के डिग्री पे नहीं होता, हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट हुआ होता है। जैसे आप ये अलफ़ भी देख सकते हैं, इसको मैंने सीधी लाइन लगाने के बाद थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया। और जो ब्रश है वो हमेशा इस तरह यूज़ करना है, इस तरह जैसे आप मुझे वीडियो में करता हुआ देख रहे हैं। Thank you.
आपको ये राइटिंग बिल्कुल खाली खाली लग रही होगी और ये परफेक्ट सर्कल में भी नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें जो खाली जगह है वो हमने फिल नहीं की। कुछ अलामत होती हैं जिससे आप मुझे ये खाली जगह फिल करते हुए देख रहे हैं, ऐसी अलामत जिनका कोई मतलब नहीं होता, उससे जब हम जगह को फिल करते हैं तो ये परफेक्ट सर्कल में आ जाएगा। उसके बाद जब पेंटिंग ड्राई होगी तो हम ये सारे के सारे चाक के निशानात मिटा देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात जो कि मैं क्लियर ना कर पाया हूँ, तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।